हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। सो गाइस, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग आरती लाइफस्टाइल पे। सो रोज़ की तरह 6 बजे मैं उठ गई और देखा मेरी बेबी डॉल अभी तक सो रही है। अच्छा हुआ, इसीलिए मैं फ्रेश होने चली गई। मैक्सिमम टाइम मेरी बेटी मेरे साथ ही उठ जाती है, बट आज सो रही है तो मैंने सोचा फटाफट जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ। सो गाइस, आज का ये ब्लॉग मैंने सुबह के 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ, लास्ट तक बनी रही है। मॉर्निंग में क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम हो जाता है क्योंकि मेरे पतिदेव सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है और साथ में जल्दी से लंच भी रेडी करना होता है। अगर मेरी बेटी उठ गई तो फिर तो पूछो ही मत, ज़्यादा लेट हो जाता है क्योंकि बच्चे को लेके किचन में काम करते करते फिर टाइम का पता नहीं लगता और लेट हो जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लेती हूँ तब तक वो उठ ना जाए। मैं आज ब्रेकफास्ट और लंच में क्या बनाने वाली हूँ आपको जल्दी पता लग जाएगा, आप वीडियो को देखते रहिए। मेरे किचन में थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है तो शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे वीडियो बनाया है तो इसलिए मैंने इसमें कुछ काम नहीं किया है अभी, आगे मैं ध्यान रखूँगी। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वीडियो लंबी बनानी चाहिए या शॉर्ट बनानी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं है, वीडियो तो मैंने शूट कर लिया, जब एडिट करने की बारी आई तो देखा कि ये तो 1 आवर से भी ज़्यादा है इसकी लेंथ, बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको कट कर करके इसका स्पीड बढ़ाते हुए अभी शायद 15 या 20 मिनट्स तक ही रहेगा ये वाला वीडियो। सो गाइस, ब्रेकफास्ट में है आज आलू के पराठे के साथ दही और लंच भी बना लिया है मैंने रोटी के साथ आलू सोयाबीन की सब्जी। अब मैं जा रही हूँ मेरे पति देव को नाश्ता देने क्योंकि 7:30 यानी उनकी ब्रेकफास्ट टाइम हो ही गया है। तो मेरे हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देके मैं आगे उनके लंच बॉक्स रेडी करने, अगर बेबी जाग जाए तो पहले उसको देखना पड़ेगा, फिर ये काम रह जाएगा और मेरे पति देव ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, इसलिए मैं फटाफट जल्दी से काम फिनिश कर लेती हूँ हमेशा। मम्मा 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 मम्मा, अरे अरे अरे, ये क्या है, ये क्या है, गिर जाओगे। हाँ, नींद नहीं खोली अभी तक। हाँ हंस रहे, पापा बाय, गुड मॉर्निंग, राधे 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 राधे, पापा गए पापा गए पापा गए, सुबह का नजारा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अब मेरी शोना उठ गई है, मेरी लाडो की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। शोना राधे राधे बोलो, शोना शोना शोना, करती बेजी थी मेरी, करती सुबह सुबह बेजी थी। हाँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आ जाओ जल्दी आओ आओ आओ, हाँ आओ आओ आओ, बोले मम्मा बोले मम्मा, पापा नहीं मम्मा मम्मा, सारा काम तो मैं करूँ, 24 आवर्स तो संभालूँ, और पापा मम्मा कुछ नहीं, मम्मा कुछ नहीं करती। हाँ अब मैंने डायपर चेंज करके वो डायपर एरिया को पहले वाइप से और फिर पानी से वॉश कर लिया है। आज हमारे नाश्ते में क्या है? आलू के पराठे और इसके साथ दही। आलू के पराठे के साथ आपको क्या खाना पसंद है? हम तो दही खाते हैं, कभी कभी टमाटर सॉस से भी मैं खा लेती हूँ। मेरा जानू, आप खाओगे? खाओगे आप? ओ एम जी, एक मिनट
पहले ट्राई तो करो, क्या है, क्या ट्राई कर रहे हो? हां नहीं खाना, ओके ओके नो प्रॉब्लम, चलो फेंक दिया, कहां फेंका? ठीक है मैं बाद में खाऊंगी, ठीक है चलो आपको पहले दूध पिला देती हूं, ओके 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 चलो दूध पिला दे, चलो। उठते ही मैडम को दूध चाहिए होता है, बट मैंने सोचा चलो आलू के पराठे थोड़ा सा खिला दूं, बट उसने खाया ही नहीं, फिर मैंने उसको ब्रेस्ट फीड करा लिया। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। आप सबको ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। शोना क्या कर रहे हो? देख रहे हो गाइस इसके एक्सप्रेशन तो देखो, ओफो मुझे लग गया पता आप क्या कर रहे हो। हाँ अभी करना था आपको, हाँ अभी करना था। मैं इधर खाना खा रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और उसका अपोजिट ही काम चल रहा है इसका तो है। चलो कर लो जल्दी कर लो, फिर आप अपना काम करो और मैं अपना काम कर रही हूँ। चलो शोना आप थोड़ा सा खेलो खेलो करो, मैं तब तक किचन का काम खत्म कर लेती हूँ, ओके फिर घूम घूम जाएंगे छत पे, ओके चलो आप खेलो। ये देखिए गाइस खाना बनाने के बाद ये देखो किचन की हालत, सिंक में बर्तन फूल, इधर देखो ओफो इतनी गर्मी में खाना बनाना ना बहुत मुश्किल काम है सच में। हाय अब्बा सैल्यूट, एक वीक सैल्यूट जो मेरे जैसे सारे होते हैं ये किचन में काम करते हैं, हालांकि कुछ लोग मतलब जो लोग हर कोई जो करता है किचन में काम सबको दिल से सैल्यूट है, बस अब इतनी गर्मी में खाना बनाना। चलो मैं फिर ये सारा काम खत्म करके इसको छत्ते पे घूमने के लिए। शोना उठ, तेरी कहाँ जा रही हो? अभी नहीं जाना बाबू, काम खत्म करके फिर चलेंगे, ओके आ जाओ हमारे पास, में चल जाती है अभी खेलो। फिर मैं लग गई किचन की साफ सफाई करने में। लीजिए किचन पूरा साफ हो गया, किचन का काम हो गया है खत्म। अब मैं बना रही हूँ सेरेलक, मेरा पानी गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से, और मैं डाल रही हूँ सेरेलक जो मैं घर पे ही बनाया था, और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क एंड पका हुआ बनाना को मैश करके मैं इसमें मिक्स कर दिया और बन गया हमारा सेरेलक। पे जाने से पहले मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सेरेलक खिला देती हूँ ताकि उसका पेट भरा रहे और छत पर थोड़ा सा खेल सके। अभी उसको मैंने अच्छे से बिंदी भी लगाई, हेयर बैंड भी लगाया, 2 मिनट के बाद देखना है इसको अच्छे निकाल के फेंक देगी। या इधर इधर डालो, इधर डालो, इधर डालो, हाँ बस 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 या वेरी गुड वेरी गुड, देखो आ गया नीचे, हाँ मेरी शोना को आ गया सब कुछ। हाँ चले कहाँ जा रहे हैं, छत पे, छत पे चले। ए भगवान ऊपर नीचे करके मेरा कमर दर्द हो गया भगवान। हाँ हाँ आ गए हम छत पे, चलो ये लो बोल लो खेलो। हमारी छुपन छुपे स्टार्ट हो गई, आ रही है रेडी स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। मैं आ गई छुपने, आ रही होगी मुझे ढूंढने। पकड़ लिया पकड़ लिया, आगे फिर से आ। शोना एप्पल खाना खाना, एप्पल खाना फेंका नहीं, खा लेना ओके, ये पक्का फेंक के आएगी, देखो फेंक दिया ना, उठाना नहीं, छी छी गंदा हो गया ये, छी छी नीचे फेंक देती हूँ मैं, ठीक है फेंक दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गंदा हो गया। छोना कालिया आ गया, कालिया ये देखो कालिया खड़ा है नीचे, देखो छोना कालिया आ गया, कालिया छोना बुलाओ बुलाओ कालिया को बुलाओ, नजारा सुबह सुबह इतनी धूप हो रही है, देखो इसके कारनामे हे भगवान, बुद्धि दो इस लड़की को बुद्धि दो थोड़ा, आ जाओ आ जाओ ची, नहीं इधर मत, नहीं जाना नहीं जाना, ठीक है यार बच्चे के पीछे ना बहुत भागना पड़ता है बहुत, तो प्रेगनेंसी में जो मेरा 17 किलो बढ़ गया था अभी काफ़ी कम हो गया है वेट, जब भी हम छत पे आते हैं तो आधा घंटा या 1 घंटा हो ही जाता है खेल कूद करने में। ओके खेलो बस इतना ही, क्या शोना नीचे रहो तो बोलती है ऊपर जाना है, ऊपर आओ तो बोलती है नीचे जाना है, क्या करें बताओ, ऊपर नीचे करती रहूँ बस है। हाँ चलो नीचे चलते हैं फिर, बोलो खा लो खेलो खेलो, थोड़ी देर तक मैं आपके लिए बनाती हूँ खाना। हाँ क्या आप रोते रहते हो, ये गंदी बात होती है रोना धोना करना, ठीक है ना, अब गुड गर्ल हो ना। हाँ शोना मेरे शोना बच्चे आ जाओ आ जाओ, खेलो खेलो ये लो। हाँ ओ थोड़ी देर खेल लो ठीक है, जब तक वो खेल रही है तब तक कुछ मैं बना लेती हूँ उसके लिए।
सो गाइस आ गई मैं किचन में और सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, तो सोचा चलो एप्पल की प्यूरी बना देती हूँ उसके लिए। तो उसको छील के मैं इसको अच्छे से काट के धो के इसको बॉईल कर लूँगी, उसके बाद इसको मैश करके खिला दूँगी, बस सिंपल। 6 मंथ्स तक तो बच्चा दूध ही पीता है, बाकी उसके बाद 7 मंथ से टेंशन शुरू हो जाता है कि बच्चों को क्या खिलाए जो बच्चे के लिए हेल्दी भी हो अच्छा भी हो, है ना। अब मैं यहाँ पे एप्पल को बॉयल होने के लिए रख दिया और दलिया बनाने के लिए मूंग दाल और दलिया को भिगो के रख दिया। को काम करने दो, किचन में कितनी गर्मी लगती है, देखो पसीने आ गए मेरे लाडू के, पसीने आ गए। चलो खेलो, अंदर खेलो, कूलर के सामने बैठ के खेलो, जाओ हवा लेके, जाओ। खाना बन जाएगा फिर खा लेना, ओके। ये टोडलर्स भी ना, जो मम्मी करे हो वो भी इनको ही करना होता है। मेरी बेटी खेल रही थी तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। नहीं मैडम भाग के आ गए कि झाड़ू लगाना है मुझे भी, फिर क्या है उसको लेके झाड़ू लगाना पड़ता है रोज। आना है जल्दी, आओ आओ जल्दी, बंद कर दूंगी नहीं बापू, जल्दी आओ आओ। आगे 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 जानू आगे जानू आगे जानू आगे शोना फेंकना नहीं, शोना शोना फेंकना नहीं, ना शोना। अरे यार मना कर रही हूँ, फेंक दिया आपने, अब फिर जाना पड़ेगा नीचे। कहाँ गिरा है, देखो नीचे गिरा है जाके, ये पड़ा नीचे, रुको मैं लेके आ रही हूँ, रुको गिर जाओगे आप, रुको रुको लेके आ रही हूँ मैं। अब इनको कौन समझाए कि झाड़ू पोछा करना इनका काम ही नहीं है। खेल रही थी फिर भी देख लिया कि मम्मी और कुछ काम कर रही है, तो आगे फिर से मम्मी को हेल्प करने। अभी हम मना कर रहे हैं कि ये काम मत करो तो वही काम करना है इनको, अब जब बोलेंगे यही काम करो तो तब भाग जाएंगे ये। एप्पल पकने में और दलिया बनाने में अभी टाइम था, इसीलिए मैंने इसको फ्रूट दे दिया खाने को। OMG यार ये बहुत सुसु करती है, अभी कपड़े बदले थे फिर से सुसु कर दिया, आप देखो वही गीली चड्डी लेके घूम रही है, खेलने लगी उसमें। आरू चलो नहाने चलो, चलो नहाने चलो, टाइम भी हो गया 10 बज गए, तो सोचा चलो नहा के भी आ जाओ। चलो डांस करके दिखाना, रिंग चिका रिंग चिका रिंग चिका रिंग चिका ए ए ए ए ए ए रिंग चिका रिंग चिका रिंग चिका रिंग चिका ए ए ए ए घर पे मैं कॉटन के डायपर ही पहनाती हूँ, अगर बाहर जाना हो तो दूसरा वाला डायपर यानी हिमालय या मोमेंटो पैंट्स का डायपर ही पहनाती हूँ। बॉईल किया हुआ एप्पल थोड़े से ठंडे हो चुके थे तो मैं आ गई इसको खिलाने। मेरी बेटी को एक नई गेम का शौक चढ़ा है अभी कि घर का चीज़ बाहर फेंको। मेरी शोना ने सारे एप्पल फिनिश कर लिए थे तो सोचा कि चलो मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। मैं कितनी पागल थी, बेवकूफ थी, मैंने सोचा कि लंबे बाल हैं इसलिए मेरे ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, अब बाल भी कटवा दिए, आप देखो फिर भी इतने सारे बाल झड़ रहे हैं, लगता है गंजी हो जाऊँगी। सो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई। सब्जी तो पहले से ही बना रखी थी तो इसीलिए मैं अभी चावल बना रही हूँ, कुकर में चावल चढ़ा दिया है, बस 2 सीटी में चावल रेडी। अभी टाइम हो रहा है 11 तो मैं आ गई मेरी शोना को दलिया खिलाने। काम करते करते बच्चे के पीछे भागते भागते कभी सुबह से रात हो जाती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता।
बच्चों को खिलाने पिलाने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी तक मैं ब्रेस्ट फीड ही कराती हूँ, बट उसके साथ गाय का दूध एक दो महीने से ही स्टार्ट किया है। निन्नी आई आपको? जानू, जानू को निन्नी आई है? हाँ, नींद आ रही है इसलिए हो जाती है। कोई बात नहीं। पी लो पी लो, मैं सोने वाली हूँ। जो जो सारा फिनिश कर लेना, ठीक है? सोना सोना, ये सोएगी तब जाके मैं खाना खाऊंगी। बस अभी सारा काम तो खत्म हो ही चुका है, बस खाना ही खाना है। अब ये देखना बाजी कितना टाइम सोती है। कभी कभी तो जल्दी सो मतलब उठ जाएगी, कभी कभी दो तीन घंटे भी सो जाती है। बच्चों को कुछ कह नहीं सकते कब सोएं कब उठें। आओ फ्रेंड्स खाना खा लो, फिर मत बोलना कि बुलाया नहीं मैंने। आपने देखा कि कैसे एक बच्चे के साथ मैं सुबह से लेके 12 बजे तक टाइम स्पेंड करती हूँ, और क्या क्या होता है घर में काम, और उसके काम के साथ साथ बच्चों को भी कैसे संभालना पड़ता है। लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ काम ही क्या है घर पे, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन तो करने होते हैं, और बच्चे संभालना कौन सी बड़ी बात है ना। तो अब क्या ही बोले, कोई तो कुछ भी बोल सकता है, करना तो माँ को ही होता है ना। तो मैं डेली ब्लॉग्स अभी डालने की कोशिश करूँगी, फिर टाइम नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं सोच रही हूँ टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाऊँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप प्लीज़ मुझे ऐसी प्यार देते रहिए और मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और मेरे चैनल आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।